नमस्कार, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जनता दल यूनाइटेड इस वक्त मोदी पर मेहरबान है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। अब ऐसा क्यों है और आखिर ये रिश्ता क्या है, ये भी आपको बता दे। तो आपको बताएं कि बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की तरफ से महागठबंधन की सरकार पर हमले किए जा रहे हैं, खास करके नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें दागी मंत्री भी कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जेडीयू के बड़े नेता हो, मझले नेता हो या फिर छोटे नेता हो, ये सभी नेता जो है वो अपनी नरमी दिखा रहे हैं सुशील कुमार मोदी को लेकर। आपको बताएं कि बीते दिन भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया गया था और इस ट्वीट में ललन सिंह ने ये साफ कर दिया कि अगर जेडीयू पर हमले करने से सुशील कुमार मोदी को अहमियत मिलती है तो ये खुशी की बात है। हम चाहेंगे कि सुशील कुमार मोदी को पार्टी में वही अहमियत और वही जगह दी जाए जो कुछ साल पहले तक की थी। और इतना ही नहीं, भले ही ये बातें कुछ लोगों को मजाक लग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पर भी अपनी नरमी को दिखा रही है। आपको हम पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है राजनीतिक विशेषज्ञ का और आखिर क्यों जनता दल यूनाइटेड का ये सॉफ्ट कॉर्नर इस वक्त मोदी को लेकर दिख रहा है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति इन दिनों मोदीमय हो चुकी है। महागठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी या फिर सुशील मोदी का मुंह जब भी खुलता है, दोनों या किसी एक मोदी का नाम जरूर निकल जाता है। लेकिन खास बात यह है कि जेडीयू के बड़े मछले या छोटे नेता सुशील मोदी के प्रति पर्याप्त नरमी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की हर एक टिप्पणी में सुशील मोदी के लिए दुआ जैसी निकलती है कि इनका पुनर्वास हो जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री पद गंवा चुके सुशील मोदी का दिन केंद्र और राज्य सरकार की प्रशंसा में गुजर रहा था। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन के दिन से सुशील कुमार मोदी राज्य सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। दागी मंत्रियों को लेकर भी लगातार बयान दे रहे हैं, नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो इसमें नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच जो है उन्हें दोस्ती भी नजर आ रही है। अब ऐसा क्यों है आपको ये भी बता दे आपको कि इस वक्त ऐसा इसलिए कहा जा रहा क्योंकि ताकतवर राजद के मंत्रियों की छवि के बारे में सुशील मोदी जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे जेडीयू का काम आसान हो रहा है। मालूम हो कि नीतीश कुमार छवि को लेकर अति संवेदनशील है। 2005 में उन्होंने जीतन राम मांझी से शपथ ग्रहण की रात में ही त्याग पत्र ले लिया था। वे एक मामले में चार्जशीटेड थे। समझा जाता है कि अगर सुशील मोदी कुछ और मंत्रियों के विरुद्ध दमदार साक्ष्य देते हैं तो नीतीश को उन मंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए राजद को मनाने में सहूलियत मिलेगी। इतना ही नहीं, सुशील कुमार मोदी के प्रति नीतीश कुमार और ललन सिंह की सहानुभूति को भले ही कुछ लोग मजाक में ले रहे हों, लेकिन सच तो ये है कि भाजपा के मोदी की उपेक्षा भी नीतीश के कारण हो रही है। ललन सिंह ने भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया कि हम सभी की सहानुभूति आपके साथ है। आपको तो याद ही होगा कि वर्ष 2012 में जब आपने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने लायक व्यक्ति बताया था, इस गुस्ताखी के लिए आपकी पार्टी ने आपको दरकिनार भी कर दिया था। लेकिन अब नई भूमिका में यदि आपको कुछ मिल जाता है तो हम लोगों को खुशी होगी। बता दें आपको कि सुशील मोदी की नई सरकार के विरोध में की गई टिप्पणी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जवाब अस्थाई हो गया। ये हम लोगों के साथ थे, दिल्ली चले गए। हम लोगों को लगा कि दिल्ली में उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। अगर बोलने से उन्हें कुछ मिल जाता है तो हमें भी इस बात को लेकर खुशी होगी। तो जहां एक तरफ
ललन सिंह और नीतीश कुमार का वो सॉफ्ट कॉर्नर सुशील मोदी को लेकर नजर आ रहा है। तो वहीं बता दें आपको कि सुशील मोदी इस वक्त जो बयान दे रहे हैं, इससे नीतीश कुमार का काम और भी ज्यादा आसान हो रहा है। कई ऐसे मंत्री हैं जो कि दागी मंत्री हैं, राजद के मंत्री हैं, जिन्हें इस बार नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया। और यही वजह है कि लगातार जिन मंत्रियों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, उन मंत्रियों के खिलाफ जो है वो सीएम नीतीश कुमार को एक्शन लेने में भी सहूलियत मिलेगी। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है वो जेडीयू और मोदी के बीच का नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इसे लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई है कि आखिर दूर रहकर भी ये रिश्ता नहीं टूटा है। और यही वजह है कि अंदर ही अंदर कुछ रिश्ते के धागे हैं जो आज भी बंधे हुए हैं। और यही वजह है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो जनता दल यूनाइटेड का खुलकर अब सामने आने लगा है। फिलहाल का इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।